बैक टू माई चैनल। तो आज हम सब हमारी पूरी फैमिली सब कोई जा रहे हैं पिकनिक में, और वो पिकनिक में हम लोग जा रहे हैं सोन नदी, क्योंकि हमारे भैया जी जो आए थे दिल्ली से वो भी कल चले जाएंगे, और मतलब मौसी वसी सब कोई आएंगे, तो सब कोई सोचे कि फैमिली सब इकट्ठा चले जाए। तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं, आधे लोग चले गए, हम दीदी लोग बचे हैं, मामा पापा लोग। तो चलिए आज आपको वहीं का व्लॉग दिखाएंगे। कल गए मौसी जी लोग, पहले चली गई थी, तो अब आती है मिलेंगी तो आप लोग को दिखाएंगे। ये फाटक खुला है, तो अभी हम लोग घर से लेट से भी निकले, तो अभी हम लोग पीछे ही हैं। तो आगे जो है वो मम्मा, सौरभ भैया और पापा जी हैं, और पीछे स्कूटी में हम, सचिन भैया और आकांक्षा दीदी हैं। सचिन भैया अपने फेस में हल्की बात की स्कूटी चला रहे, क्योंकि उनके फेस में जल्दी मतलब काले काले हो जाते हैं उनका गाल भैया जी का। और बाकी लोग सब कोई पहले ही ऑटो से चले गए हैं, तो अभी हम लोग बहुत दिन से गए नहीं, तो पता नहीं है कि सोन नदी में पानी है कि नहीं है। तो जाएंगे, देखेंगे, पानी होगा तो मस्ती करेंगे, और नहीं होगा तो क्या करेंगे, खा ही के आ जाएंगे। लेकिन फैमिली के साथ जा रहे हैं, थोड़ी बहुत ही पानी होगा तो मस्ती कर ही के आएंगे, क्योंकि फैमिली के साथ जाने का अलग ही मज़ा है। तो अभी सब कोई शेड्यूल को बहुत साफ़ सुथरा कर रहे हैं, बस यहाँ के लोग भी साथ देना तो अच्छा होगा। मतलब अभी हर जगह पेंटिंग्स हो रही है, साफ सुथरा, पेड़ ओड़ लगा रहे हैं, बहुत सुंदर अभी साफ सफाई चल रहा है। और इस साइड जो है तालाब में मछली पालते हैं, और यहाँ भी बहुत सुंदर सजा के रखे हैं, गंदगी नहीं है कहीं भी, बस यह लोग भी शांत है ना, तो बहुत सुंदर शेडोल भी हो सकता है। तो ये शेडोल जंक्शन रेस्टोरेंट है, इसमें जो ट्रेन की पेंटिंग बनी कितनी रियल टाइप में लगती है। और ये कितना सुंदर साइड साइड से पेड़ लगे हैं, कितना सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ पास। और ये बगल वाले रास्ते से अपन क्षीर सागर जा सकते हैं, और सामने वाले रास्ते से सोन नदी, जहाँ अभी अपन जा रहे हैं। तो अपन पहुंचने वाले हैं सोन नदी, एक हम ही लोग लेट हो गए, क्योंकि हम लोग घर से लेट से निकले थे, मौसी लोग ऑटो से जा रही थी इसलिए जल्दी निकली। और ऊपर जो आप मंदिर देख रहे हैं उसके पीछे ना पूरा गांव है, और अगर अपन यही रोड से सीधे जाएंगे तो गोपारू पहुंच जाएंगे। होटल दीदी जी, सौरभ भैया और मम्मा जी, पापा जी तो अपनी गाड़ी लेके ही भाग गए पहले से आगे, और यहाँ से लेके, पता है यहाँ से ना अगर अपन शाम टाइम आएंगे और वहाँ से फोटो खींचने में बहुत सुंदर आएगा सनसेट का व्यू। तो मम्मा जी भैया जी को बोली थी कि अखंडित मूर्ति रख लेने को, लेकिन भैया जी घर में सोफे में ही भूल गए, तो मम्मा गुस्सा आ गई भैया के ऊपर। इधर हमारी स्कूटी और ऑटो खड़ा है, वो सब पहले से आ गए हैं, तो सब कोई चलेगा, हम सब के नौकर हैं, देखो सबका कपड़ा हमारे पास है, अभी चाहे तो सबको पानी में फेंक सकते हैं। सचिन भैया हमारे ऐसे जो अभी फोन पकड़े है ना, वो ऐसे कुछ नहीं हमारे से ऊपर गया था भैया जी, ऐसे कुछ नहीं पड़े, सिर्फ एक स्प्राइट का बॉटल पकड़े, बोले हम पानी पिए। यहाँ भी थोड़ी बहुत पानी है, ज्यादा पानी नहीं है। ये पापा जी सोच रहे थे कि हम अपनी गाड़ी धोएंगे, लेकिन पापा जी वापस लेके जा रहे हैं, स्टैंड करके पापा जी आएंगे। और इधर पता है इधर ज्यादा पानी नहीं है, तो ये हम हैं, ये हमारे भैया हैं, जो भी कल चले जाएंगे बेचारे हम लोग को छोड़ के। अब ये जो बैग है ना, ये भैया जी हमको दिए थे, इसमें तो मैं ऐसे ही कूद जाए छुट कर। यहाँ देखिए पानी, इसे तो मैं ऐसे ही भूल गया, ये भैया इतने दिलदार है ना कि अपना ये जो भैया का बैग है, भैया को इतना पसंद था लेकिन किसी को नहीं देखे हमको ना। और ये भैया जो ना बहुत पुराना है, ये मेरे पंडित लोग,
यहाँ पहले बताइए, यहाँ सब में पानी रहता था, इसे पहली बार आए थे तो हम सब यहाँ पास बैठ के खाए थे। हमारी मम्मा जी सोची ठीक है हम गिर जाएंगे क्योंकि यहाँ ब्रिज टूटा हुआ है ना, तो मम्मा जी अकेले उधर से आ रही है। अब देखिए पहले हम लोग पहुँच गए मम्मा जी, सौरभ भैया की लाल और बॉटल लेके बजाते हुए आ रही है। तो बड़ी मुश्किल से हमारे घर वाले हम लोग मिले, और ये पानी नहीं मालूम बीच में कहाँ से आया, शायद ऊपर ही से पानी आ रहा है। आगे मिलवा रहे थे बहुत से घर वाले, वहाँ सब वहाँ से उठ के सबको इधर आ चुके हैं। जो हमारी पारे मौसी है वो लकड़ी से झाड़ू लगा रही थी ताकि यहाँ सांस नहीं हुआ। और बाकी सब तो उधर पानी में पापा जी पहले ही घूम गए, ना पता होगा हमारी मम्मा घूम गई तो सब कोई मम्मा को ढूंढे, वो हमारे मौसा जी और पापा जी को, हां पापा जी, पापा जी चलिए अपन भी चलते पानी में मछली को देखते, और वहां से सब कोई अभी आ रहे हैं। और अभी यही से पहले वाले वीडियो में पता है क्या बोलते थे, हमको वीडियो में मत लाइए हम चड्डा पहने, और उस समय उस वीडियो में गिर गए थे, लेकिन आज चड्डे में आएंगे वीडियो में। और इधर पापा जी प्राची और यश यहाँ पानी में कूदे पड़े हैं। बोलो हेलो गाइस, बोलो चलो बताओ मजा आ रहा है वो बताओ। पानी पानी नहीं पानी, ये हमारी बहन है जो इतनी सी पानी में घूम रही है, बहुत मजा क्या होगा घर का नहीं करती, हमारी मौसी जी कुछ आ रही मौसी दिख रही तो यहाँ पर सब लोग देखिए कितना अच्छा, सब लोग मिल के नहा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है पूरा, जब सब परिवार सब साथ में आके सब नहाते हैं। कैसे लग रहा है आके यहाँ, कैसा लग रहा है यहाँ आके, आपको कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ आके? बच गया दोस्तों, मैं यहाँ पे पानी में पूरा बह रहा था। Oh!
हम नहीं सोचे थे। पता है अगर आप सब कोई भी जोन नदी आने की सोच रहे हैं तो प्लीज फैमिली के साथ आइएगा, क्योंकि फैमिली के साथ का मजा ही कुछ अलग होता है। कितना एंजॉय कर रहे राखी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मा दोनों बहन से एक कपड़ा पहन देंगे, लौट देंगे। हम और मौसी जी और दीदी जी आ रही है सेम कलर का कपड़ा। तो चलिए अब जाके पापा जी को तंग करते हैं, क्योंकि पापा जी अपनी सालियों के साथ खेल रहे हैं। आइए पापा जी मम्मा का पैर जी हैं। यहाँ सब कोई पानी में मछली और मगरमच्छ का गेम खेल रहे हैं। ये सौरभ भैया हैं, मौसी लोग सब कोई मछली बनी है, एक सचिन भैया और यश मगरमच्छ बने हैं। यहाँ और भी लोग हैं उधर। ये सचिन भैया के अंदर नहीं पता कौन सी डर आपनी सी आत्मा आ गई। वो हमारी मौसी और हमारी मौसी के फ्रेंड लोग कैसे फ्रेंडशिप निभाते हुए आ रही है हाथ पकड़ के। यहाँ सचिन भैया सचिन भैया तो हो गया आज। ए हेलो मजा आ रहा है। आ रहा बहुत मजा है। अब भी लग रहा है कि हम लोग पानी में हैं, तो अभी सब कोई आगे आगे जा रहे हैं, सब कोई आगे पीछे घूम चुके हैं। तो फिर चल के मिलते हैं। करो बच्चे लोग।